दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। मोदी सरकार ने हज पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर देने का ऐलान कर दिया है। मान गलवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सालाना हज सब्सिडी के रूप में 700 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। मोदी सरकार इस राशि को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करेगी। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि हज सब्सिडी का पैसा मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार के हज सब्सिडी खत्म करने के फैसले की टाइमिंग कुछ और इशारा कर रही है। यह बात सच है कि हज सब्सिडी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खत्म की गई है, लेकिन कोर्ट ने इसे 2022 तक खत्म करने को कहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि तय वक्त से 4 साल पहले हज सब्सिडी खत्म करने का फैसला क्यों लिया गया? कहीं इसके पीछे हिंदुत्व की उस लकीर को और मजबूत करने की मंशा तो नहीं, जिसे कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक हर कोई पीटने लगा था? कहीं हज सब्सिडी खत्म करने के पीछे कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होने जा वाले विधानसभा चुनावों का कोई गणित तो नहीं है? तो जवाब है हाँ। आइए समझने की कोशिश करते हैं हज सब्सिडी और चुनावों का पूरा अंकगणित। गुजरात चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष का मंदिर मंदिर घूमना और पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ में बीजेपी को सिर्फ 99% समेटना चिंता की बात है। बीजेपी का यह डर उस वक्त और पुख्ता हो गया जब कर्नाटक में सिद्धारमैया को अपने नाम में छिपे राम याद आ गए। जवाब में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक में याद दिलाया कि कांग्रेस को अब हिंदुत्व की याद आ रही है, जबकि हम तो पहले से ही हिंदुओं के रखवाले हैं। कर्नाटक में मई में चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी को खुद को कांग्रेस बड़ा हिंदू बनकर दिखाना ही था। जिस हिंदुत्व में विकास की चाशनी लपेटकर नरेंद्र मोदी लोकसभा जीते, उस फॉर्मूले पर तो का रेस समेत बाकी सभी दल नजर गड़ाए हैं। ऐसे में बीजेपी को बड़ी लकीर खींचनी ही थी, उसे हिंदू वोट बैंक पर अपना हक जताना ही था। इसी क्रम में हज सब्सिडी को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया गया। हज सब्सिडी खत्म करके बीजेपी ने सिर्फ हिंदू वोट पर पकड़ और मजबूत करेगी, बल्कि 3 तलाक बिल लाकर मुस्लिम महिलाओं को अपनी ओर खींच रही बीजेपी अब हज सब्सिडी के पैसे से मुस्लिम लड़कियों के बड़े ऐलान कर सकती है। मोदी सरकार का यह दांव कांग्रेस, सपा, आरजेडी और टीएमसी समेत सभी तथाकथित सेक्युलर पार्टियों के मुस्लिम वोट में सेंध लगा देगा। लाइक, कॉमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।